क्या सुबह की नमाज की सुन्नत घर में पढ़कर मस्जिद में जाकर दो रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ सकता है या कि फर्ज नमाज का इंतजार करे या सुन्नत नमाज मस्जिद में पढ़े, अहसन तरीका क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। क्या मतलब? कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती। दरबारों पर मस्जिदें बनाने वालों, कब्रों पर मस्जिदें बनाने वालों, मस्जिदों में कब्र बनाने वालों, नबी फरमा रहे हैं अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। जहां कब्र हो वहां पे नमाज नहीं होती, अपने घर में नमाजें अदा करो। तो अव्वल तरीन नमाज मस्जिद के अंदर फर्ज नमाज है, और फर्ज के अलावा जितनी नफली नमाज है वो घर के अंदर मस्जिद से ज्यादा अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया ऐसी जगह पे नफल नमाज पढ़ना जहां उसको लोग ना देखें। मस्जिद को लोग देखेंगे ना, लेकिन घर में तो कोई नहीं देख रहा। ये लोग ना देखें, तन्हाई में अपने घर में आके नमाज पढ़े, ये उस नमाज में इस तरह फर्क करती है जैसे नफल और फर्ज नमाज का फर्क होता है। सुन्नत नमाज अपने घर के अंदर पढ़ो। लेकिन आप मस्जिद में गए, अभी जमात खड़े होने में वक्त है, तो अल्लाह के नबी ने मस्जिद में बैठने से मना किया जब तक दो रकात नमाज ना पढ़ ली जाए। मस्जिद में जाओ, दो रकात नमाज पढ़ के फिर मस्जिद में बैठो। और घर में नमाज पढ़ने का एक और फायदा यह है कि आपकी औलाद आपको नमाज पढ़ता देखेगी, आपके मासूम बच्चे आपको नमाज पढ़ते देखेंगे, और उनकी इसी पैटर्न पे पूरी तरबियत होगी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो भी नमाजी बनेंगे।